इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठे करना, मतलब कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, इनको ऑपेरा हाउस तक लाने में जो मेरी जान निकली है, आप पहले उसकी बात कीजिए। इनको राजस्थान में हमने करीब करीब 5000 किलोमीटर सैर कराई है, और आप लोगों को लगता है कि ये 6 हैं, ये 6 नहीं है, ये 36 हैं, क्योंकि हर एक के साथ 4-5 आ जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मुश्किल भी रहा, लेकिन वी वर देयर फॉर 2 मंथ्स एंड बहुत ही मिलजुल के काम किया, अच्छे मौसम में काम किया। इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज टू ब्रिंग टुगेदर अ स्टार कास्ट ऑफ सो मेनी एक्टर्स एंड गेट देयर टाइम, गेट देयर कंसेंट ऑन अ स्क्रिप्ट, बट वी ऑल वर्कड ऑन इट एज फ्रेंड्स एंड वेरी हैप्पी। जैसे कि बताया इन्होंने कि इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें फीवर 104 एफएम रेडियो के और अजय जी के बहुत सारे फैन यहाँ मौजूद हैं। कौन कौन है जरा? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उन्होंने कहा था कि ये आपकी ऐसी फिल्म होने वाली, लोगों ने टीजर देखा, प्रोमो देखा और लेटर लिखे, बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं मेरे पास में, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं अजय भाई, मैं चाहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा आप बात करें। इसका जो लुक दिया गया है, ये वाकई बड़ा यूनिक लुक है। 1975 इमरजेंसी का वक्त, वो जमाना जहां पर सब कुछ बैन हो रहा था, तो इसके बारे में बताइए, कहां से कैसे सोचा गया इस फिल्म के बारे में और क्या बताया गया वन लाइनर आपको? आई थिंक ये सवाल, हेलो हेलो एवरीबॉडी, ये सवाल तो डायरेक्टर के लिए होना चाहिए। नहीं, पर देखिए, कंसीव तो आपने किया, आपने सोचा कि ये फिल्म करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे कहानियां तो बहुत actually, हैं। आपने ही क्यों चुना इसे? एक्चुअली ये कहानी मिलन ने मुझे, कितने साल हो गए, कच्चे धागे के टाइम पे उस वक्त एक थॉट था, जो कि सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट एक किस्सा राजस्थान में लोग बात किया करते थे उसके बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये फिल्म उस किस्से के बारे में नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आई थिंक एक कहानी बनाई गई है, बट ये दिमाग में मुझे लगता है तब से ही था, तो 90s में था ये दिमाग में, इसलिए 70s के नज़दीक है। अच्छा इमरान, इनकी पहली फिल्म जब वंस अपॉन ए टाइम में भी देखा, आपने बहुत ही ग्रे कैरेक्टर किया था, और वो कैरेक्टर इसमें कितना डिफरेंस है? आई थिंक जो पहला डिस्कशन मिलन और मेरा हुआ था स्क्रिप्ट पे, आई थिंक मिलन बहुत क्लियर था कि जो फिल्म हम बना रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हम तीनों साथ में फिर से आ रहे हैं 7 साल के बाद, तो एक एक्सपेक्टेशन होगा, एंड आई नो एक कंजेक्चर भी था कि यार फिल्म शायद एक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तरह की एक फिल्म होगी, और इसमें अजय और मेरी टक्कर होगी और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट जब मिलन ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक तरह से मोल्ड को तोड़ा है इस फिल्म में। जिस तरह की कहानी है, एक तो एक हाइस्ट फिल्म है, ड्रामेटिक है, एक्शन है, लेकिन इन्होंने एक हाइस्ट फिल्म को एक बहुत ही अनयूजुअल स्पिन दिया है, एंड आई'ड लाइक टू गेट रजत ऑल्सो, गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस,